औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह सब जल हम बात करेंगे थ्री पीस लिलन की। नेट एम्ब्रॉयडर्ड होगा, सिर्फ चार सूट का ये वॉल्यूम होगा। दोबारा अर्ज करते चलें, सिर्फ चार सूट का ये वॉल्यूम होगा। क्वालिटी ऑलमोस्ट 68-68 होगी। नेक एम्ब्रॉयडर्ड होंगे। ये वही माल है जो हमने अनारकली बाय बिन निसार था लिलन में, ठीक है। क्वालिटी भी नो डाउट। देखिए हमने रॉ फैब्रिक ऑलमोस्ट 68-68 ही लिया था। नेट की एम्ब्रॉयडर्ड हमजा भाई करीब से दिखाएं, क्रॉस स्टिच भी है, नफासत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वालिटी भी ठीक है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। प्राइस हमने बहुत मुनासिब रखी थी, ऑलमोस्ट जो रेप्लिका की प्राइस थी ना इसकी भी वही थी। इवन के बाकी वल्ला आलम, लेकिन मेरे लिहाज से अगर रेप्लिका सेल करें उसमें मार्जिन ज़्यादा बन जाता है। वजह उसकी क्या है, बाजार से आज लिया कल बना दिया वीडियो, बात ख़त्म। इसमें क्या है, आज लेना रॉ फैब्रिक डिज़ाइनिंग, पहले रॉ फैब्रिक को भी देखना है वो पास भी होता है या नहीं, कितने परसेंट उसमें इशू हैं, काफ़ी टाइम बन जाता है। एक एस्टिमेटेड बता रहे हैं, अगर अपना माल बनाते हैं ना कम से कम भी बड़ी स्पीड भी लगाएं जो तो धागा भी अपना दें वो तकरीबन 4 महीने लग जाते हैं। अगर रॉ फैब्रिक हम जस्ट बाजार से ले लें, मतलब ये जिस तरह सूतर मंडी है फैसलाबाद में, वहाँ से रॉ फैब्रिक ले कर भी फैक्ट्री भी चलवाएं ना, तो तैयार होते करते कराते तकरीबन 40 दिन लग जाते हैं। ये मैं बड़ा लिमिटेड एक टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि माल जाना होना है, मैंडिंग सिंचिंग जो हर मामला होते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद प्रिंटिंग है, फिर आना है, पैकिंग है, तकरीबन 40-45 दिन कहीं नहीं गए। फिर दूसरा क्या, इसका मतलब है कि अगर आपने अपना रॉ फैब्रिक भी चलवाया आपको पहले पैसे भी देने पड़ेंगे रॉ फैब्रिक के, प्रिंटिंग करवा रहे हैं प्रिंटिंग वालों को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपकी अपनी स्टैंप है। मीन्स ये कि इस पर पहले पैसा ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए रेप्लिका है या किसी पार्टी का माल हो, अल्लाह का करोर हो एहसान है, वो तो बड़ा सिंपल वे है हमारे लिए भी और दोस्तों के लिए भी। आज लिया एक दो दफ़ा कैश भी दे देंगे, ये मैं रियलिटी पर बात कर रहा हूँ। मतलब किसी भी बिल फर्ज मैं कहता हूँ कि मैंने किसी ब्रांड का इधर सेल लगा देनी है, एक दो दफ़ा तो ब्रांड वाला शुरू में बिल्कुल, अगर मैं न्यू कमर हूँ या बिल्कुल फर्स्ट डील है या सेकंड डील है, 2-3 दफ़ा मैं पैसे दे दूँगा, उसके बाद पता है एक सर्कल चल जाता है, ठीक है जी इस पार्टी की रूटीन वाइज पेमेंट आनी है, 15 दिन बाद है, महीने बाद, फिर वो ये चीज़ें। अगर हम अपनी बात करें तो अल्लाह का करो रहा एहसान है, किसी को भी ज़रूरत नहीं, जस्ट ये कहते माल भी दिलवा दे तो माल आ जाएगा। ये तो देखिए बड़ा सिंपल, मैं दो चीज़ें मैंने आपको आज बता रहा हूँ। अगर अपना बनाएंगे तो सारे पैसे तकरीबन कैश देने पड़ते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट है। एक डिज़ाइन जी ये वाला आ जाएगा, मैं बात कर रहा था यही कि बाजार का माल लें ब्रांड का लें वो इशू कोई नहीं होता, लेकिन उसमें क्या इशू आते हैं जिस वजह से हम नहीं करते। एक तो किसी सूरत भी हम वो प्राइस दे ही नहीं पाएंगे, जिस तरह ये है 3 पीस डिजिटल प्रिंटेड है, लिलन क्वालिटी भी बेहतरीन है, नेक एम्ब्रॉयडर्ड है, मेजरमेंट हम अपनी मर्जी से इस पर रखवाते हैं। इसकी मेजरमेंट तकरीबन 7.5 मीटर होगी, 7.5 मीटर से ज़्यादा है ऑलमोस्ट। ट्राउज़र इसका ऑलमोस्ट 2.5 मीटर का होता है, दुपट्टा ऑलमोस्ट 2.25 मीटर से कुछ ज़्यादा होगा, शर्ट भी 2.75 मीटर से कुछ ज़्यादा होगी, फिर भी एहतियातन हम बोलेंगे तकरीबन जी 7.5 मीटर या 7.5 मीटर है। ये भी इसका लिलन का ही दुपट्टा आ जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था बाजार से लेंगे, देखे उन्होंने भी प्रॉफिट अपना लेना ही लेना है। उसके बाद क्या आना है इशू कि हमारे पास आना है, हमने भी लेना है, वो 2-3 प्रॉफिट ऐड हो जाती मेरे लिहाज से। इससे भी ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए, वो है क्वालिटी मेंटेन करना। बाजार से लेंगे हमें समझ नहीं आती। देखें किसी भी बंदे से लेंगे ना या फैक्ट्री वाले से प्रोसेसिंग वाले से, अलकरम से हम क्यों काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह का एहसान है, हमें पता उन्होंने भी झूठ नहीं बोलना। बहुत अदारे ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात वही ट्रस्ट बनाने की, जिस तरह आप लोग हम पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप लोग उनका शुक्रिया।
तो अल्लाह के एहसान है, करम पे हमें ट्रस्ट है, हमें पता क्या क्वालिटी आनी है उनकी। इसके अलावा भी बेशुमार पार्टियां हैं, माल ले सकते हैं, दे सकते हैं। सॉरी आज टोटल टॉपिक से हट के बातें हो रही हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी डिटेल उनकी बताएंगे। अब बात करते हैं इनकी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ लाफ्ट सूट है। ये वाला डिज़ाइन मैं दोबारा करता चलूँ, ये है 4 नंबर पे, और ये वाला डिज़ाइन, इन दोनों में से एक आएगा। पहले 3 तो आने ही आने हैं आपको, इन दोनों में से एक आएगा। इस तरह टोटल आपको 4 सूट आएंगे, 1 सूट की प्राइस सिर्फ 1400 होगी। अनारकली बाय बिन नसार स्टैंप मेंशन होगी, लीलन दुपट्टा, लीलन ट्राउजर और लीलन ही शर्ट होगी। आजकल लीलन दोबारा चल पड़ी हुई है, आजकल लीलन की दोबारा डिमांड शुरू हो चुकी है, क्योंकि लीलन ज्यादातर एरिया में तकरीबन साल के 10 महीने यूज होती है। बहुत कम एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे 6 महीने यूज होती होगी, लेकिन लीलन की डिमांड है जी इस टाइम। लास्ट डिजाइन ये दिखा देते हैं, 1 सूट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1400 होगी। डिजिटल प्रिंटेड रिप्लिका नहीं है, बिन नसार हमारा अपना जो है उसी का ये माल है। 4 सूट बन जाएंगे 1400 रुपए के हिसाब से, 5600 रुपए के, 200 वैसे रखना, 250 थे, यही आप समझ लें कि सीजन के एंड पे आपको 50 रुपए सिर्फ कोरियर में से लेस कर रहे हैं। तो 200 ऑल ओवर पाकिस्तान कोरियर चार्जेस आ जाएंगे। इस तरह ये एक सेट बन जाएगा जिसमें 4 सूट होंगे, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगी। 4 सूट या 8 हो या 10 हो, 20 सूट तक भी कैश ऑन डिलीवरी करवा ले, नो इशू। उससे ज्यादा सूट होंगे तो वो पेमेंट एडवांस होगी। इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस 4 सूट आपको मिलेंगे 5800 रुपए के। लास्ट पर दोबारा करता चलूं, 3 पीस लीलन होगी, नेक एम्ब्रॉयडर्ड होंगे, क्वालिटी ऑलमोस्ट 68-68 है, फिनिश सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। ट्राउजर की मेजरमेंट ऑलमोस्ट 2.5 मीटर होगी, मीन्स ये कि 2.5 मीटर होगी मेजरमेंट, गज में नहीं होगी। गज में कंसिडर करेंगे तो तकरीबन 2.75, मतलब 2.75 मीटर कंसिडर होती है ऑलमोस्ट। 1 सूट की प्राइस 1400 होगी, 4 सूट का वॉल्यूम होगा, 5 दिखा दिए, लास्ट 2 में से 1 आएगा। इस तरह आपको ये टोटल 4 सूट आएंगे 1400 रुपए के हिसाब से, 4 सूट बन जाते हैं 5600 रुपए के। 200 ऑल ओवर पाकिस्तान, 200 ऑल ओवर पाकिस्तान कोरियर चार्जेस ऐड होंगे। 1 सेट बन जाएगा 5800 रुपए में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।